birth and fertility rates fertility is the reproductive performance of an individual a couple a group or a population and it is meant the actual bearing of children some demographers prefer to use a simple formula regarding uh, the discussion on this uh, specific topic of birth and fertility because fertility leads to increase of population and uh, it is quite important that uh, when a nation, a group or uh, even an individual, how uh, much they are interested to produce their family. Uh, लोग जो हैं उनमें कितनी काहिश है कि वो अपनी फैमिली को ग्रो करें और बच्चे जो हैं वो फैदा करने के लिए आम तौर पर जो साइकी है वो क्या है आम जो माशरे हैं इसमें इस ये देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर हमें डिवीजन नज़र आती है जो तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं दे बिलीव इन द हाई रेट्स ऑफ बर्थ उनका ये ख्याल है कि जितने ज़्यादा बच्चों का नंबर होगा उतना ही ज़्यादा खानदान ग्रो करेगा और वही ज़्यादा अहमियत एह, है उसी से ही मुल्क या रियासत जो है वो भी ग्रो करती है लेकिन इसके इन कंपैरिजन हमें ये भी अंदाज़ा हमें ये भी आइडिया है कि मेडिकल परस्पेक्टिव जो हैं पूरी दुनिया के अंदर उनके यहाँ अपना एक माइंडसेट है वो लोगों को ये तरबियत देते हैं सिखाते भी हैं कि ख़ास एज होती है जिसके अंदर अगर बच्चे जो हैं वो पैदा किए जाएँ तो बच्चों के लिए भी अच्छा है और ख़ुद ख़वात की सेहत के लिए ख़ास तौर पर यह मामला जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है लेकिन जो चीज़ नज़रअंदाज की जाती है आमतौर पर बहुत सारे माशरों के अंदर बहुत सारे निज़ामों के अंदर कि बच्चों की पैदाइश के हवाले से जिस तरह की खुराक की ज़रूरत है जो सहूलियात चाहिए होती हैं एक सेहतमंद बच्चे के लिए और उसकी माँ के लिए क्या वो सहूलतें निज़ाम जो है मुहैया कर रहा है ये सिर्फ़ हमारे यहाँ का मसला नहीं है बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं तरक्की पजीर अंदर ख़ानदान ख़वान ख़ास तौर पर और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो पैदा तो होते ही हैं लेकिन उनकी सेहत काबिल नहीं होती कि वो सरवाइव कर सकें चुनाच ये मसला इसको समझना जो है वो फॉर द स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल सोशोलोजी इस वजह से अहम है कि जो बर्थ है ख़ानदान में किसी भी नए आने, आने वाले मेबर की वो सिर्फ़ एक इजाफा नहीं होता बल्कि वो इजाफा किस हद तक अहम रोल प्ले कर सकता है आइंदा आने वाले दिनों में अगर उसकी पैदाइश के ऊपर जो है वो तमाम सहूलतें और वो सेहतमंद ख़ुराक और तौर पर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हैं और जो ख़ास तौर पर जो मस्बत ख़ुराक है अगर तो वो मैसर है तो यकीन ये बर्थ या जो हटेलिटी रेट्स के बारे में जो डिबेट है वो अहम हो जाती है लेकिन अगर आम सहूलतें हासिल नहीं हैं अगर ख़ुराक मैसर नहीं है और हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो फिर ये आबादी जो है ये बढ़ता हुआ नंबर जो है ये ना सिर्फ माशरे के लिए परेशानी का बास बनता है बल्कि अमली तौर पर उस ख़ानदान के लिए भी बहुत सारे सवालत जो हैं वो रेज कर देता है अगर हम देखें तो आम तौर पर जो फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं इस बात को समझने के लिए उसमें सबसे पहला सी का एक क्राइटेरिया है जैसे क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है क्रूड बर्थ रेट्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने बच्चे हैं जो पैदा होते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं और फिर इन बच्चों का आगे ज़िंदगी में हिस्सा जो है वो डलता है लेकिन हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारा नंबर ऐसा है दुनिया में बच्चों का जो अपनी पैदाइश से एक साल के अंदर अंदर ही वो आ, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं अब बच्चा दुनिया में आया लेकिन उसकी सेहत इस काबिल नहीं थी कि वो ग्रो कर सकता या उसको वो बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं आई जिसकी वजह से वो अपनी अमली जिंदगी दुनिया में सांस तो ली लेकिन उसके साथ वो ज़्यादा देर तक दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सका फिर उसके साथ साथ जी एफ आर का एक पैटर्न है जो आ, डिस्कस किया जाता है द जनरल फर्टिलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर ईयर इसमें बाज़ात वो खुतन जो जिनके बारे में बात की जाती है कि वो पैदाइश उन्होंने बच्चे को दी लेकिन वो ज़िंदा नहीं रह सकी और फिर आ, उसके साथ एक ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो जाता है या सफ़र करता है फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी जो टोटल पॉपुलेशन का नंबर है उसके ऊपर भी उसको भी स्टडी करती हैं रियासतें या निज़ाम या मुल्क जो हैं और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि क्या परसेंटेज होती है आ, एज की सेक्स की कितने बच्चे पैदा हुए उनकी उनकी सेक्स क्या थी मेल बच्चे कितने थे फीमेल कितने थे और फिर ये सारी परसेंटेज जो है ये देखा जाता है कि वो खुतन जिन्होंने बच्चे को पैदा किया उन खीन का क्या स्टेटस हुआ बाद में क्या वो ज़िंदा रहीं क्या उनको बुनियादी उनकी सेहत का ख़्याल रखा गया क्या निज़ाम के अंदर वो सारी सहूलतें मैसर थीं कि ख़वान एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकती फिर इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि स्टडिंग जो बर्थ रेट्स एंड फर्टिलिटी रेट्स हैं वो किस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाजा अवत जो पापोलेशन का नंबर है वो इतना ज़्यादा अनप्लैंड तरीके से आ, उसकी परसेंटेज कुछ इलाक़ों में बढ़ रही है कि वो मुल्क के जो रिसोर्स होते हैं उस इलाके के जो रिसोर्स हैं उसके लिए थ्रेट क्रिएट हो रहा है यानी बाज़ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर कहत की सिचुएशन हो जाती है क्योंकि पॉपुलेशन का नंबर और जराए जो हैं उनका आपस में कोई मैच नहीं हो पाता और कहत साली जो है या कम खुराकी की वजह से लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर हो होना शुरू हो जाती है इसी वजह से जहाँ पर के फर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा हाई हो और कुछ अरसे तक रहे वहाँ भी ये ज़रूरी होता है कि क्या उसके साथ साथ वहाँ की बुनियादी जो ज़रूरिया थी मसलन हम स्कूल्स की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जिन इलाकों में आबादी बढ़ने की रेशो ज़्यादा है क्या वहाँ पर उसी हिसाब से हेल्थ के साथ साथ स्कूल्स का नंबर इंक्रीज किया गया है क्योंकि ज़ाहिर है कि जो बच्चे पैदा होंगे अल्टीमेटली उन्होंने एजुकेशन भी हासिल करनी है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में और बहुत सारे एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना है तो क्या उस माहौल के अंदर जहां आबादी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है क्या उन इलाकों में बाकी सहूलियात के बारे में भी हकूमतें कोई हमत अमली इख्तियार कर रही हैं या हकूमतों ने कोई अमली इकदाम किए हैं तो इस वजह से जो बर्थ एंड फटेलिटी रेट्स के साथ मुनसलिक जो मसाइल हैं जो हकैक़ हैं उन सबकी तहक़ीक उन सबको समझना और उन पर बाकायदा पॉलिसी बनाना जो है वो हर हुकूमत की जरूर की जिम्मेदारी है और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अंदर इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जहाँ पर आबादी का जो रवैया डिटर्मेंड होगा उसमें इब्तदा से लेकर आखिर तक हर फर्द की जिंदगी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के लिए एक इंतहाई अहम टॉपिक का दर्जा रखती है